जयपुर में जिस तरह अल सुबह 5:30 बजे घटना को अंजाम दिया जाता है और जिसमें एक युवती की उसको गाड़ी से कुचल दिया जाता है। जवाहर सर्किल से थाना अधिकारी दलबीर सिंह फौजदार हमारे साथ हैं। तो दलबीर जी, इस घटना को किस तरह अंजाम दिया गया है, क्योंकि अगर वीडियो क्लिप की माने तो उसमें जो आरोपी दिख रहे हैं, आरोपी भी हैं और 3-4 आदमी उसमें लोग हैं, लड़के हैं और एक लड़की उसमें नजर आ रही है, किस तरह इस घटना को अंजाम हुआ था? इसमें जैसा परिवादी ने बताया वो ये है कि होटल में जब अंदर इनके बीच कोई हीट आर्गुमेंट्स हुए थे आपस में, उसके बाद इनके बाहर आकर के भी उसी बात पे लेकर के लगातार आपस में बहस हो रही थी। इसी दौरान उसके पास एक एंडेवर गाड़ी फोर्ड की, अच्छा। उसको चलाते हुए उसने वापस वो रॉन्ग साइड से ला रहा है और जो परिवादी है वो कुछ इशारा कर रहा है उसको हाथ फैला करके, उसी उसमें एक ही इंस्टेंस में वो लेके और उसको चला जाता है, तो उसमें वो जो मृतक है वो नीचे आ जाती है और उसकी मृत्यु हो गई। जो बिल्कुल वो पहले रिवर्स में लेता है, इसका मतलब जो उमेश क्या नाम था उस लड़की आरोपी का, आरोपी मंगेश की मानसिकता क्लियर थी कि गाड़ी उसको आगे चढ़ानी है, राजकुमार उस गाड़ी के आगे आ रहा था। तो ये क्या, जिस तरह से उस होटल में बताया जा रहा है कि पूरी रात वो वहाँ पे मौजूद थे, रुके हैं वो वहाँ पर, ये जाँच का विषय है। अभी हम अन्य फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये जांच में अगर आएगा तो बिल्कुल उस चीज़ को शामिल करेंगे कि रात भर थे, कितने घंटे रुके, क्या किया क्या नहीं किया, वो अभी जांच। सोमवार को 5:30 बजे घटना हुई है, अभी तक कानून के हाथ खाली क्यों हैं? लगातार काम कर रहे हैं, हाथ लगे कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सबूत भी हाथ लगे हैं और सफलता जरूर जल्दी मिलेगी। मंगेश हरियाणा का बताया जा रहा है कि जो मंगेश है जिसने गाड़ी चलाई है, वो उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी श्रेया, ये कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है, लड़की मौजूद थी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन और क्या नाम था और क्या उसके पार्टिकुलर्स हैं वो अभी तक कोई पता नहीं। तो अभी तक ना तो उनके साथ कौन था गाड़ी में मौजूद, ना तो ये क्लियर हुआ है, ना ही मंगेश पकड़ में आया है। गाड़ी में तो दो ही दिख रहे हैं, मंगेश दिख रहा है और उसके साथ एक महिला दिखती है, महिला जो दिखती है उसके बारे में जब तक मंगेश हाथ नहीं आएगा कैसे हम क्लियर कर पाएंगे उसका क्या रोल। क्या घटना होती है अभी तक, जैसे राजकुमार से आप मिले होंगे, राजकुमार से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या हॉट टॉक थी कि जो इस कदर बढ़ गई कि वो युवती पर गाड़ी से कुचल दिया जाता है? आरोपी नशा कर रहा था, शराब पी रहा था जैसा परिवादी बता रहा है, और जो आदमी नशे में होता है वो निश्चित रूप से वायलेंट हो जाता है कई बार अपने बिहेवियर में, उस वजह से इसने जो टीका टिप्पणी आपस में हुई एक दूसरे के बीच में, एक्सचेंज ऑफ हीट आर्गुमेंट्स, उसी का परिणाम है, लगातार इनके बीच में वो शांति नहीं हुई, क्योंकि जो वीडियो खुद ही वीडियो में देखेंगे आपकी बार बार इनको हटा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल, वो होटल स्टाफ भी उसमें बाहर आकर के उन्होंने बीच बचाव किया है, 6-7 जने उस वीडियो में नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल, और वो भी उमा भी है, वो समझाइश की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से आपका कहना है कि परिवारवादी का भी कहना है, लेकिन जिस तरह से अगर हाई लेवल का नशा था, 5:30 बजे की घटना है, तो जिस तरह गाइडलाइन की अगर हम माने राजस्थान सरकार की, तो उस वक्त कानूनी तौर पर तो नशे पर होना ये कानूनी अपराध है, जो होटल वो खुला हुआ था। होटल तो खुला ही रहेगा, होटल में तो लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो होटल को तो बंद नहीं कर सकते, बात क्लब्स की है और की है, तो वो क्लब नहीं है, होटल है, उसमें कोई क्लब नहीं है, हाँ उसमें बार है, अंदर होटल है, क्लब नहीं है, क्लब नहीं है। बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मंगेश है ये किसी बड़े गैंग को फॉलो करता है, ऐसा कुछ सबूत हाथ में लगा? बिल्कुल झूठी बात है, अच्छा। इस तरह की कोई ना तो हमारे पास फैक्टफुल रिकॉर्ड पे कोई जानकारी है, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है, इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं, नहीं। तो देखिए, ये दलबीर सिंह फौजदार हैं जो जवाहर सर्किल थाना के थाना अधिकारी हैं, और जो मृतिका है उमा, यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम की जो जांच है वो लगातार जारी है, और क्या कुछ नतीजा आगे होने वाला है उनके जो परिवारजन हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के बेटे के साथ में राजस्थान में इस तरह दरिंदगी होती है और उसको कार से कुचला जाता है, उनके परिवारजन को क्या कुछ कहना है, ये भी हम उनसे बातचीत करेंगे और आप तक हर एक जानकारी हम आपको पहुँचाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।